दोस्तों 22 अगस्त से इंडिया और ओमान के बीच 3 T20 और 3 ODI मैच की शानदार सीरीज खेली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको इस सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में बताएंगे, जहां पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत और ओमान के बीच कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचेस का वेन्यू क्या होगा, मैचेस का टाइमिंग क्या होगा, मैचेस का लाइव टेलीकास्ट आप कैसे देख सकते हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस सीरीज के लिए भारत का कौन सा स्क्वाड जाने वाला है और भारत की तरफ से कौन कौन से प्लेयर इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस वीडियो में आपको इस सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले ही अगर आप क्रिकेट के बड़े वाले फैन तो यहां कहीं नीचे से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन घंटी को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस पूरे खबर के बारे में। तो इस साल का T20 वर्ल्ड कप ओमान भी खेल रहा है, जहां पे T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के मैचेस ओमान खेलने वाला है। तो ऐसे में ओमान को एक अच्छे प्रैक्टिस की जरूरत थी। ऐसे में ओमान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से अप्रोच किया कि आप लोग हमें अच्छी प्रैक्टिस मुहैया कराए और हमें कोई टीम ऐसी भेजे जिसके साथ हम खेल के अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ऐसे में BCCI ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से बात किया। उसके बाद BCCI ने फैसला किया कि मुंबई की डोमेस्टिक टीम को ओमान के साथ सीरीज खेलने के लिए भेजेंगे। तो ऐसे में तो मुंबई और यहाँ पे ओमान के बीच सीरीज का पूरी तरह से अनाउंसमेंट हो चुका है और एक तरह से अब भारत की डोमेस्टिक टीम रहने वाली है जो कि ओमान के साथ मैच खेलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरे पे 3 T20 और 3 ODI मैच खेले जाएंगे। अब गाइस हम बात कर लेते हैं इस दौरे के शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले 3 T20 मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए मुंबई की टीम 19 अगस्त को मस्कट यानी ओमान की राजधानी पहुंच जाएगी। उसके बाद 2 दिन का क्वारंटीन में रहेगी। उसके बाद 22 अगस्त को पहला T20 मुकाबला मस्कट के मैदान में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा T20 मुकाबला 24 अगस्त को मस्कट के मैदान में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला 26 अगस्त को मस्कट के मैदान में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 ODI मैच खेले जाएंगे, जिसका पहला ODI मुकाबला 29 अगस्त को खेला जाएगा, दूसरा मैच 31 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा। और सभी वनडे मुकाबले मस्कट के मैदान में खेले जाएंगे और वनडे मैचों की टाइमिंग इंडियन समय के हिसाब से शाम 5 बजे की रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्क्वाड के बारे में कि इस सीरीज के लिए मुंबई का कौन सा स्क्वाड जाने वाला है। दोस्तों T20 के लिए मुंबई के सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के टीम से कुछ T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर को सेलेक्ट किया जाएगा, जबकि ODI के लिए रणजी ट्रॉफी से प्लेयर जाने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि अभी तक फाइनल स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन जो रिसोर्सेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं स्क्वाड के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब गए बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। दोस्तों इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आप इंडिया में किसी भी टीवी चैनल पे नहीं देख सकते। दरअसल इंडिया में किसी भी टीवी चैनल के पास इस सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं है। इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आप लोग ओमान क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इसके साथ साथ फेसबुक पे भी इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वही अगर आप लोग इस सीरीज को लाइव देखना चाहते हो तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इस सीरीज का लाइव टेलीकास्टिंग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। दोस्तों यह रही इस सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट से जुड़ी सभी अपडेट्स सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन और को भी दबा लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट का मजा लेते रहिए।